Hey guys, welcome back to YouTube channel Zero Friend Go From Right. दोस्तों आज के व्लॉग में आपको फिर से लेकर आया हूँ करोड़बाग, और करोड़बाग में आया हूँ क्रिस्टल कार केयर पे। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे किया सेल्टोस को कवर करने के लिए अगेन। जो पहले जो किया सेल्टोस दिखाई थी वो उसका काफी अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो उसके बाद आज मैं फिर से आया हूँ किया सेल्टोस को कवर करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्लॉग करोड़बाग से। चलिए, सो ये किया सेल्टोस है जिसपे अभी काम चल रहा है, जिसका आप सीट कवर, एक पक्के सीट कवर इसमें लग रहे हैं और पूरा इंटीरियर मॉडिफिकेशन का काम इसमें चालू है इस टाइम पे। देखिए आप, स्टेयरिंग स्ट्रेच हो चुका है और ये सीट कवर आप देख पा रहे हैं, जो सीट कवर की क्वालिटी है अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। बकेट सीट कवर है, इसके बारे में आपको पहले ही बताया। और तो इस टाइम पे जो है लेदर फ्लोरिंग हो चुकी है, मैट फ्लोरिंग आप देख पा रहे हैं वीडियो में, और ये जो है मैट्स वगैरह बिछा दिए गए हैं। जो लेदर मैट फ्लोरिंग है इसके बारे में आपको पहले ही बताया, ब्रिंट होती है लेदर मैट फ्लोरिंग, जिससे कि आपकी गाड़ी में कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ भी गिरती है ना, तो आप सिंपल कपड़ा मार के आप क्लीन कर सकते हो। साथ साथ आप इसकी जो है फिटिंग भी देख सकते हैं। इस टाइम पे जो है ये बढ़िया, बहुत बेहतरीन फिटिंग हो रखी है इसकी। इस टाइम पे देखिए फिटिंग वगैरह अच्छे से हो गई है, डस्ट वगैरह गिरेगी, कुछ भी गिरेगा जो है सब कुछ जो है इसमें कवर कर लेगा। कुछ भी अगर ऐसी चीज गिरती है जिसकी स्मेल वगैरह आती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो पूरा क्लीन हो जाएगा कपड़ा मार के। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल अगर उसको रखेंगे कुछ भी गिरेगा तो ड्राई क्लीन कराने के लिए भागो भाई। और गाड़ी की इस टाइम पे ये हालत है कि सारे सामान जो है इस टाइम पे निकला हुआ है, सीट कवर्स वगैरह इसमें लग रही है, बकेट सीट कवर भी लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यूजुअली जो ये हम स्विच जो है ओपन करते हैं इनकेस अगर आपको सीट कवर बाद में यूज़ नहीं करने तो वापस रिस्विच हो जाते हैं, उसको आप बाद में वापस भी कर सकते हैं। और बाकी इसका इंटीरियर पे जो पूरा काम होने वाला है, डोर से गत्ते हो गए, डोर पैनल्स हो गए, पिलर्स हो गए, पूरे पे जो है काम होने वाला है इस गाड़ी के अंदर, डैशबोर्ड का इंटीरियर हो गया, सब पे काम होगा। अभी एक ही करके सारा दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। डोर स्टेप जो इंस्टॉल किया जा रहा है इस टाइम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हाइट है गाड़ी की, थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो डोर स्टेप बहुत कंपलसरी चीज़ है, जो कि आपको अपनी गाड़ी में ऑब्वियस लगानी चाहिए, अदरवाइज अगर ज़्यादा डीप होता है तो ये पैर पर लगने के चांसेस ही बढ़ जाते हैं। किट्स वगैरह रखी हुई है, ये पीछे की बैक सीट है और पीछे की गाड़ी की सारी सीट इस टाइम पे बाहर निकाली हुई है, काम चल रहा है। मैं आपको उसका स्टेयरिंग और दिखा देता हूँ, जिसको कि ऑलरेडी स्ट्रेच कर दिया गया है गाड़ी के नीड के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। कलर बहुत प्यारा चूज़ किया गया है जिसकी भी गाड़ी है। जब गाड़ी के अंदर पूरा हो जाएगा ना काम, पिलर्स वगैरह हो गए, डोर पैनल्स हो गए, और जितना भी आएगा डैशबोर्ड हो गया, सारा जब कंप्लीट किया जाएगा ना, गाड़ी एक नंबर लगने वाली है। कि हम जो है सीट कवर जब हम चढ़ाते हैं तो उसके हम जो स्ट्रेच खोलते हैं, हमेशा हम उसकी जो है स्ट्रेचिंग खोलते हैं। आप देख पा रहे हैं ये स्टिचिंग खोली हुई है। अगर बाद में अगर आपको इनकेस अगर आपको नहीं पसंद आ रही आपकी बकेट सीट, तो आप रिस्टिच करवा सकते हैं, वापस जुड़वा सकते हैं। देखो साथ साथ जो है इसमें फुटपत्ती स्टेप भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके बारे में आपको हमेशा बताता हूँ कि फुटपत्ती स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी गाड़ी का, जो कि यूजुअली टॉप मॉडल्स में आता है, लेकिन बेस मॉडल्स में जो है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या होता है, फुट पट्टी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारी गाड़ी का, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि किया सेल्टोस नई गाड़ी है तो इसके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गाड़ियों में चढ़ते उतरते हैं ना तो यहाँ का पेंट निकलना शुरू होता है, मतलब घिसना स्टार्ट होता है, एकदम से नहीं हटता लेकिन धीरे धीरे हटना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, एक स्टेज बाद ये यहाँ का पेंट उतरने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, पानी भी गिरता है ना, जंग आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से गाड़ी का बहुत बड़ा लॉस होता है। और ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, महंगी चीज़ भी नहीं है, मैं इसका रेट ट्रेवल नहीं कर सकता। स्टेयरिंग को भी स्टिच कर दिया गया, सब देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी है, स्टिचिंग देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी बेहतरीन फिशिंग जो है इस पर इस टाइम पर जो दी गई है ये किया सेल्टोस के अंदर। अभी आपको जो है इस किया सेल्टोस के अंदर इसका डैशबोर्ड के ऊपर ही पूरा काम होते हुए दिखने वाला है, इसके डोर पैनल्स भी दिखने वाला है, जो डोर पैनल्स है इसके ऊपर भी जो है पूरा काम होने वाला है। वीडियो भी बने रही है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आपको वाला काम कर रहे हैं भैया, देख रहे हो सीट कवर के नीचे जो पीछे का हिस्सा होता है ना, ये सीट का पीछे का हिस्सा है बैक साइड का, जो कि पूरा भैया इसको अच्छे से कस रहे हैं, जिसमें कि फिटिंग एक नंबर आने वाली सीट के अंदर। सोलह देव भी है जो काम कर रहे हैं, किया सेल्टोस उसके ऊपर चल रहा है काम, चालू है, आपको सारा जो है काम देखने के लिए मिलने वाला है। अभी कोई पार्ट अभी रेडी नहीं हुआ है हमारा, अभी नहीं हुआ। गेट कौन सा, ये वाला गेट है, क्योंकि ये गेट्स रखे हैं। अभी आपको इसमें जो है पैनल्स आपको काम देखने के लिए मिलने वाला है, भैया अभी कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा काम एक ही करके। सो इस टाइम पे जो है क्रिस्टल कार केयर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तीन गाड़ियाँ अभी यही देख पा रहे हैं, चार किया सेल्टोस वहाँ खड़ी है, जिससे एक का मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ भैया के पास, देख पा रहे हो पूरा काम फैला हुआ है। भैया कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारा किया सेल्टोस का, ओहो वाओ, ये बना है कुछ जानदार, इसमें स्ट्रेचिंग अब देख पा रहे हैं, जो दिया हुआ है स्ट्रेचिंग बहुत बेहतरीन दी हुई है। अभी जब ये गेट पर लगेगा ना, गेट पे कतई जहर लगेगा, क्या बोलते हो भैया, जहरीली चीज़ बनाते हो क्या बैठे, जहरीली बनाते हैं, और आप भी कुछ ऐसे ही काम, ये कौन सी बना रहे हो आप, ये क्रेटा, क्रेटा जो पार्ट्स बनने में लगे यहाँ पे, क्रेटा भी रेडी हो रही है साथ साथ,
और ये गाड़ी भी काम चल रहा है के एसआर टॉप्स में, थोड़ा टाइम अभी और लगने वाला है। अभी ये दो डोर्स है, अभी दो डोर्स और वहाँ पे रखे हुए गाड़ी के, सो अभी काम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जब ये पूरी गाड़ी फिनिश, गाड़ी जब एंड होगा ना, फिनिशिंग होगी, वो देखना आप। सो इस पर अब डोर लगना स्टार्ट हो गया है। देखिए डोर की फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया है। एज अ स्टेयरिंग कवर जैसा आप देख पा रहे हैं सेम उसी में है ये। सबसे बड़ी बात यार, क्योंकि अभी हम जैसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो ये चीज़ आप लोगों के काम आती है, सबसे अच्छा हमें ही लगता है। क्योंकि हमारे काम देखिए, क्योंकि हमारे पास आता है यहाँ काम करवाता, अगर हमें मिलता है बोलता है हमने आपकी वीडियोज़ देखी थी, उसको देख के हम आए थे, तो वो चीज़ से एक अलग खुशी मिलती है। मतलब चलो भाई ये वीडियो किसी के किसी काम तो आ रही है, चलो कोई बात नहीं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी वाले बक के आते हैं, उल्टी बोल के आते हैं, पर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जिसको काम कराना भाई वो तो देखेगा भी और काम भी करवाएगा, ये बात आप मान लो। चाहे उल्टे कमेंट करो सीधे कमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करने वाला काम करेगा। जैसा मैंने बताया था आप लोगों की, जो हमारे कोई अगर सब्सक्राइबर वगैरह अगर आते हैं काम करवाने, तो भैया आए हैं देहरादून से, भैया काम करवाने के लिए अपनी गाड़ी। भैया ने मेरा वीडियो देखा था केएस अल्ट्रा का भी। आप कब कब आए आप यहाँ पे? कल रात को। ओके, सो ओवरऑल भैया जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और भैया ने जो है वीडियो देखी, और वीडियो देख के जो अपनी गाड़ी लेकर आए हैं यहाँ पे काम करवाने के लिए। भैया आपका नाम क्या? अनंत। अनंत ऑफ अनंत भैया, जो कि देहरादून से आए हैं अपनी गाड़ी लेकर करोड़ में गाड़ी काम करवाने के लिए। सो अभी हमने ये डैशबोर्ड का एक पार्ट निकाल लिया है, क्योंकि अब हम जो है कवर करेंगे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसा हमने डिज़ाइन जो है चूज़ किया हुआ है। मैं दिखा दूँ आपको हमने जो इसको कहाँ से निकाला है। सो ये अभी पार्ट हमने जो यहाँ से निकाला है गाड़ी के फ्रंट से निकाला है, ये आप देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड है पूरा। तो डैशबोर्ड का ये फ्रंट पार्ट हमने जो है निकाला है, जिसको कि अभी हम कवर करने वाले हैं। लेट्स सी, गाड़ी की जो फिनिशिंग एक नंबर आने वाली है आज की डेट में भाई। इस पर भी काम होगा, जो है मज़ेदार इंटीरियर तैयार होने वाला है। इसकी सीट्स कवर आपको दिखाता हूँ, इसकी सीट्स को भी तैयार हो। और अब बात करते हैं सीट कवर्स की, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी एक चढ़ती हुई, उसके बाद आपको दिखाई नहीं। सीट कवर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है काफ़ी हद तक जो है। ये देखो सीट कवर्स पे ही काम चल रहा है अंदर गाड़ी की दुकान के। ये सीट कवर कलर बहुत प्यारा चूज़ किया भैया ने, गाड़ी के इंटीरियर को बहुत इन्हेंस करने वाला। डी डुअल टोन में जो सीट कवर का भैया ने चूज़ किया है, डुअल टोन में बहुत अच्छा लग रहा है। सो भैया इस टाइम पे ऑलराउंडर हो रहे हैं, बना भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, मान हो गए। तो इस टाइम पे जो है पीछे वाले गत्ते जो लग चुके गाड़ी में, और आगे वाले पे जो है काम चल रहा है। भैया काम कर रहे हैं, भैया बहुत बढ़िया काम करते हैं भैया। बना लगा भी खुद रहे, चिपका भी खुद रहे, वहाँ जाके भी खुद ही लगा रहे हैं, ऑलराउंडर। भैया अकेले जो पूरी केएस अल्ट्रा पे काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे और भी काम चल रहा है, क्रेटा का काम चल रहा है। ये पूरी क्रेटा रेडी हो रही है इस टाइम पे साइड में, और ये स्कॉर्पियो का काम चल रहा है साथ में। तो और गाड़ियों में काम बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस टाइम पर, लेकिन मैं भी फोकस हूँ सिर्फ केएस अल्ट्रा के ऊपर। सो देखो भैया की एक्चुअल में काम किस तरह से करते हैं, ये चीज़ देखने वाली है भाई ध्यान से एकदम। मेन ध्यान भैया दे रहे हैं स्पेशल से, ये एकदम कॉर्नर पर आनी चाहिए ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। सीट कवर्स रेडी हो चुके हैं, क्योंकि और अभी भी स्टिल ये पीछे की सीट कवर है बैक वाली, जो कि इसमें भी काम चल रहा है अभी ऑलमोस्ट, ये भी पूरा हो चुका है। और ये सीट का भी कवर ऑलमोस्ट गाड़ी में जो है ज़्यादा छोटा मोटा ही काम रह गया है। सो ओवरऑल गाड़ी के अंदर अभी छोटा मोटा ही काम रह गया, ज़्यादा देर काम रह नहीं गया, क्योंकि डैशबोर्ड भी इसका हो रहा है, छोटा पार्ट जिसका करवाते हैं वो भी, इसमें भी काम चल रहा है। बाकी उसके अलावा जितना भी सीट कवर का काम है ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अब गाड़ी में जो है सारा वेट कर रहे हैं हम उसमें फिटिंग की। जब गाड़ी में सीट कवर फिटिंग हो जाएगी, डैशबोर्ड इसका बन के आ जाएगा, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, तो उसके बाद गाड़ी को आपको प्रॉपर कंप्लीट कार दिखाता हूँ। पूरा इंटीरियर आपको एक साथ दिखाता हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन लुक देने वाला है इस टाइम पे। चलिए वेट करते हैं उसका पूरा रेडी होने का। तो ये इस टाइम पे इंटीरियर का बल्ब चेंज कर रहे हैं केएस अल्ट्रा के अंदर का। जैसा आपने देखा होगा स्टॉक में येलो बल्ब आता है, इसमें कि मज़ा नहीं आता, तो अभी हम इसमें वाइट कलर का LED लगा रहे हैं। ओए होए, तो ये बैक सीट लगनी स्टार्ट हो रही है, फाइनल पार्ट चल रहा है इसका डैशबोर्ड का, किया सकता है उसका डैशबोर्ड का काम चल रहा है फाइनल। और उसके अलावा हमारे पास ये इसका हैंडरेस्ट है, जिसको कि हम कवर कर रहे हैं, और ये इस फाइनल पार्ट हो रहा है। इसके बाद मैं आपको पूरी गाड़ी का टूर देने वाला हूँ, सिनेमैटिक शॉट्स देने वाला हूँ, वो आप देखेगा आपको उसमें मज़ा आने वाला है। और भैया टाइम जी उसकी फिटिंग कर रहे हैं, देखो भैया स्ट्रेचिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग एकदम जगह पर आए बिल्कुल। फिर फाइनल डैशबोर्ड का काम चल रहा है KSR Trox का, इसके बाद ऑलमोस्ट गाड़ी पूरी रेडी हो जाएगी, मैं आपको पूरी गाड़ी फाइनल जो है। सो हमारे पास आ गया इसका डैशबोर्ड का पीस आ गया। सो भैया अभी आप इसमें क्या लगा रहे हैं? इसके अंदर पॉलिश लगा रहा हूँ, बैठने में दिक्कत नहीं है। ओके, बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा शाइनिंग भी अच्छा करेगा, राइट? ओके, सो अभी इसका डैशबोर्ड का पीस लगना स्टार्ट हो रहा है फ्रंट का, जो यहाँ से भी निकाला गया है।
ये पीस रेडी हो गया है, गाड़ी के लुक को एनहांस करेगा बाबा। सो फाइनली इस टाइम कार हुई है पूरी तरह से कंप्लीट, हमारी बकेट सीट कवर जो है पूरी तरह चढ़ चुकी है। स्टीयरिंग कवर आप देख पा रहे हैं किस तरह स्टीयरिंग कवर किया गया है, स्टिचेस देखिए मार्क्स कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ उसमें हमने डोर पैनल्स पे भी काम किया है, सब देख पा रहे हैं। फाइनल टच मुझे पूरा वीडियो आपको एक साथ दिखा रहा हूँ, इसमें क्या फाइनल में गेट पे टच काम किया जो कि इस टाइम पे बहुत प्यारा, और ये लेदर मैक्सिकन लेदर है जो कि किसल कार की करोलबाग में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जिस पर स्ट्रेचिंग है इस टाइम पे आप देख पा रहे हैं, गाड़ी के लुक को बहुत एनहेंस कर रही है। अगर सिंपल सोवर होता तो ठीक लगता, बट इसमें जब ये स्ट्रेचेस आप नजर आ रही है ना, तो ये गाड़ी के लुक को बहुत हद तक एनहेंस कर रही है। और साथ साथ आपको अगर पीछे लेके चलूँ, पीछे भी हमने यही सेम काम किया है, पीछे भी डोर पैनल्स पे सेम यही काम, इसी तरीके का काम आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ पीछे की बात करें सीट कवर्स की, सीट कवर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनकी डीपनेस देख पा रहे हैं आप, ये गाड़ी के अंदर जो ये काम करवाया गया, इसकी डीपनेस देखिए, ये यहाँ से ऊपर को आ रही है फिर यहाँ से नीचे आ रही है, तो ये एक कंफर्ट जोन को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। और साथ में आपको बैक दिखा दूँ जो मोस्टली गाड़ियों में जो है नहीं होता है। तो मार्केट में यूजुअली होता क्या है कि ना, जो बैक जो दिखाते हैं ना, ये सीट, ये बैक सीट का जो बैक एरिया है, इसको जो है लोग ना धागे से बांध देते, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरा हमने सेम लेदर मैक्सिमम लेदर से पूरी तरह कवर किया गया। तो इसको ये चीज़ को पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि गाड़ी को जो है कहीं से भी लुक पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, गाड़ी को बहुत अच्छा दिखाया गया हर तरीके से। सो अब इसमें जो है कलर चेंजिंग में लाइट लगा रहे हैं, इंटीरियर में लाइट लगा रहे हैं जो कि आपकी बीट्स के साथ गाने की जो चेंज होती रहेगी। और इसका जो है इसमें भी कोई जो है सॉकेट वगैरह इश्यूज़ नहीं है, वारंटी का इशू नहीं है। हाँ तो ये सिंपल सोपर काम होगा इसमें जो है, इसको सिंपल आपको जो है अपने लाइटर पे लगाना है इस तरीके से, बीएल लगा दिया लाइटर पे, अब उसको सिंपल बटन दबाना है और ऑफ करना है, ऑन ऑफ करना है, आपकी लाइट्स पूरी जो है ब्लिंक करेगी। और इसमें जो है सात कलर की जो लाइट है हर तरीके की जो लाइट्स पे जो है इसमें ब्लिंक करती है। इसमें 3M टेप है जो कि एक बार लगे तो गिरेगी भी नहीं, और जो है उसको जो कि आपके इंटीरियर को बहुत हद तक इन्हेंस करेगी। जो वाइट लाइट है, ग्रीन लाइट होगी, जो इंटीरियर के अभी ये लगा रहे हैं भैया, इन लाइटों को भी आपको दिखाते हैं। डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन लग रहा है, उसका जो साथ में स्टिचेस है ये और इसके लुक को एनहेंस कर रही है। गाड़ी का इंटीरियर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मस्त दिया हुआ है, और साथ में जो हमने स्टीयरिंग पे जो कवर किया हुआ है ना, इसको गाड़ी के लुक को बहुत एनहेंस कर रहा है। और सीट कवर की आप बात करूँ, देखो सीट कवर हो गई, इसके हैंडरेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, हैंडरेस्ट जो है कम्बिनेटेड था, हमने इस पे जो है हैंडरेस्ट पे जो है अपना लेदर फिक्स किया है, जो ये मैक्सिकन लेदर है जो आपको किसल कार के जो इजीली अवेलेबल होगा। साथ में हमने जो इसमें लाइट्स इंस्टॉल करी है इंटीरियर के अंदर, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत तक एनहेंस कर रही है। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे इसमें एक सेंसर लगा रखा है, देख पा रहे हैं आप, ये सेंसर है जो कि जिसे जो रिमोट पे काम करते हैं, रेड ये रेड हो गई, लाइट्स रेड हो गई है, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो। सो ये चीज़ें गाड़ी के अंदर का इंटीरियर को जो और तक एनहेंस करता है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप गाड़ी के इंटीरियर पे काम करवा रहे हैं, इस तरीके से गाड़ी इतने बेहतरीन बनवा रहे हैं, तो इसके अंदर इंटीरियर पे लाइट जरूर लगवाएं, क्योंकि ये गाड़ी की लुक को जो है बहुत तक एनहेंस करता है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाई किया सेल्टोस, जिसमें कि हमने पूरा इंटीरियर डेकोरेशन किया, साथ साथ हमने उसके फुटपट्टी स्टेप लगाया, मैंने बताया आपको कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमने साथ में लेदर मैट फ्लोरिंग भी करी है उसके अंदर, साथ साथ हमने जो डोर स्टेप भी लगाया। डोर स्टेप आपको रिकमेंड करूंगा जरूर लगवाना, डोर स्टेप आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, वो एक तरह से आपके सेफ्टी के भी काम आ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको पता करना है सेफ्टी भी कैसे काम आ सकता है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, एक बहुत बेहतरीन स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ घटी थी, फुट स्टेप की वजह से जान बची है भाई तुम्हारे भाई की, तो इसलिए कह रहा हूँ फुटस्टेप अगर गाड़ी में जरूरत है तो जरूर लगवाओ। और अब बात करते हैं उसके इंटीरियर डेकोरेशन की, तो मैक्सिकन लेदर था पूरी गाड़ी में, जो मैक्सिकन लेदर से काम हुआ है ए से लेकर पूरा जेड तक इंटीरियर पूरा डेकोरेशन किया था। अगर गाड़ी में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी थी तो कमेंट डाउन करो, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके उसमें बताओ मुझे, अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे आके पूछ लो, यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, हर तरह के कमेंट्स आते हैं, हर तरह के कमेंट्स देख रहे थे, मूड खराब भी होता है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आके मुझे फॉलो करेंगे, वहाँ मैं आपको जो है फ्रीली आपको अप्लाई कर पाऊंगा, इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा। अगर इनकेस अगर आपको किसी तरह का कोई भी काम करवाना है, बकेट सीट, इंटीरियर डेकोरेशन, सिस्टम वगैरह कुछ भी, ए टू ए से लेकर जेड तक, ये पूरा आगे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा ये फ्रंट ग्रिल है, जो कोई सी भी गाड़ी हो, तो ये सब कुछ चीज़ हमारे पास अवेलेबल है क्रिस्टल कार केयर पे। कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं नीचे, इन पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या की रिक्वायरमेंट है। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं मिलेगा और वीडियोज़ के। तो अभी आपको मिलते हैं फ्यूचर में और ब्लॉग्स के साथ, चलिए।